नमस्कार, मैं लतिका श्रीवास्तव, वीएसआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेंटिंग का नाम आते ही हमारे आंखों के सामने तस्वीर आती है मशहूर मोनालिसा की, लेकिन कई बातें हैं इस तस्वीर के बारे में जो आप नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस पेंटिंग के ऐसे 7 कारण जिसके कारण इसे सबसे ज्यादा रहस्यमय और चर्चित माना जाता है। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। सिर्फ होठ बनाने में 12 साल लगे थे। फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मास्पर ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की रहस्य में मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंसी को 14 साल लगे थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। ये पेंटिंग शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिसलियू म्यूजियम पेरिस से ये चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी के एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियो दो प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों वो बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मुन्ना वन्ना कहा जाता है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंसी पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि महिला कौन है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है ताकि जर्मन के लोगों के हाथ में लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है,